नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी में कुछ ऐसी भी कार्यवाही हो रही है जिसमें अपात्रों से पैसा वापस लिया जा रहा है, और आपको इस वीडियो में क्या जानने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और समझिए कि क्या चीज़ आपको पता चलने जा रही है। अपात्रों से नहीं वापस किया धन तो दर्ज होगा मुकदमा। मतलब कि गोरखपुर जनपद में एक ऐसी घटना है जिसमें कुछ लोगों ने पीएम आवास का लाभ ले लिया। पहली किस्त उनके खाते में चली गई, दूसरी किस्त भी चली गई। उसके बाद कुछ लोगों ने शिकायत किया, शिकायत करने के बाद जांच हुई। जांच होने के बाद पता चला कि 12 से 14 लोग अपात्र हैं और उन्होंने जालसाजी करके पीएम आवास का लाभ लिया है। अब ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से इन लोगों को प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया। नोटिस आने के बाद भी इन लोगों के सर पर जूं तक नहीं रेंगा। कहने का मतलब है कि इन लोगों ने पीएम आवास की ना दूसरी किस्त लौटाया और ना ही पहली किस्त लौटाया। अब अधिकारी दूसरे तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयारी बना रहे हैं, और यही इस पेपर का सार है। आपको इस वीडियो से ये सीखने को मिला कि अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति समूह है जो पीएम आवास पाने का हकदार नहीं था, फिर भी उसने पीएम आवास के पैसे का यूज किया, या वह यूज कर रहा है या यूज करने वाला है, तो आप ऐसे लोगों की शिकायत अपने जिले स्तर पर संबंधित अधिकारी से करेंगे तो जांच होगी, कमेटी बैठेगी और एक्शन होगा, रिकवरी होगी, पैसे की वापसी होगी, सारी चीज़ें वो होंगी जो आप उम्मीद करते हैं। क्योंकि आज के समय में सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। सरकार कभी नहीं सोचेगी, नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार उजागर हो। वह हर एक भ्रष्टाचार को बहुत ही सही ढंग से निपटाने की पूरी कोशिश करेगी। तो ऐसे समय में, ऐसे वक्त में आप एक काम कीजिए, आप शिकायत करने में पीछे मत हटिए। आप शिकायत करने के लिए बिल्कुल संकोच मत कीजिए। आप जाइए, अगर आप 4 साल तक शिकायत करते करते थक गए, तो इस वर्ष लोकसभा चुनाव के 6 महीने 8 महीने पहले अगर आप शिकायत करेंगे तो हो सकता है कि आपकी सुनवाई हो, या आपके गांव से जुड़ी, क्षेत्र से जुड़ी, अगल बगल से, या आपकी पर्सनल कोई समस्या हो तो भी आप अधिकारियों के पास जाएंगे तो सुना जाएगा, क्योंकि अब उनको सुनने का निर्देश दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि कभी भी निर्देश होता है कि तुम जनता का सुनो मत, लेकिन अधिकारी एक्शन में तब होते हैं जब उनके ऊपर ज़्यादा दबाव होता है। तो इस वक्त उनके ऊपर ज़्यादा दबाव है और आपकी ज़रूर सुनेंगे, और आप शिकायत करेंगे तो उसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।